बेन स्टोक ने नेट प्रैक्टिस में लगाए हैं लंबे लंबे छक्के। आईपीएल से पहले बाकी टीमों की बड़ी है टेंशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इसके स्कोर की और नई वीडियो में। तो दोस्तों क्या है पूरी अपडेट दिखाएंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन अगर आप ये महेंद्र सिंह धोनी के फैन तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर रहें पहली बार तो दोस्तों आईपीएल से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज का पूरी अपडेट। दोस्तों आगे आईपीएल सीजन के लिए इंग्लैंड के हरफन मौना खिलाड़ी बेन स्टोक चेन्नई सुपर किंग टीम के खेमे में जुड़ चुके हैं। दोस्तों शुक्रवार स्टेडियम में स्टोक अपनी फ्रेंचाइजी के साथ अपना पहला अभ्यास सत्र किया, जहां पर उन्होंने बल्ले के साथ गेंदबाजी से भी अच्छा प्रदर्शन किया। दोस्तों बल्लेबाजी के दौरान लंबे लंबे छक्के भी लगाए। बेन स्टोक का यह वीडियो खुद सीएसके ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है, जिसमें वो लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। दोस्तों सीएसके ने पिछले दिसंबर यानी कि मिनी ऑक्शन में बेन स्टोक को 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। दोस्तों स्टोक इस आईपीएल सीजन में किसी भी बैटिंग पोजीशन पर खेलने के लिए तैयार है। अब ये किस बैटिंग पर खेलेंगे इसकी पोजीशन को देखने के लिए अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर महेंद्र सिंह धोनी उन्हें ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग के लिए भेज दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर सीएसके द्वारा शेयर किए गए वीडियो की बात करें तो बेन स्टोक को इस वीडियो में दो लंबे लंबे छक्के हुए मारते देखा जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, अपना उत्साह जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्टोक ने आईपीएल 2022 की नीलामी में खुद को बाहर रखा था। 2021 में वो आईपीएल सीजन के पहले चरण से ही बाहर हो गए थे क्योंकि उनको उंगली में चोट लग गई थी। दोस्तों बाद में उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य कारणों से क्रिकेट से ब्रेक लेने के कारण टूर्नामेंट के यूआई चरण से बाहर हो गए थे। दोस्तों हालांकि आगामी आईपीएल में बेन स्टोक ज्यादातर मैचों में खेलने की संभावना है। इसके साथ ही स्टोक ने ये भी संकेत दिए थे कि वो आईपीएल 2023 के सीजन के आखिरी चरण के कुछ मैच मिस कर सकते हैं क्योंकि वो एशेज की शुरुआत से पहले आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड लौटेंगे। ऐसे में अगर सीएसके टीम इस प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती तो शायद उन्हें बेन स्टोक की सेवाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी में इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल में पर रहे हैं पहली बार से दोस्तों आईपीएल से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।